करेंगे दीपोर भील, देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। 25 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सन 1947 में स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में है। ये एरिया जो हमें दिख रहा है ये भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। इसमें ये दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम के कामरूप जिले में पड़ती है और कामरूप जिला असम का गुवाहाटी के साउथ वेस्ट पार्ट में है। ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और एक वेटलैंड भी है। इस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर नवंबर 2002 में लिस्ट किया गया था। लोअर असम की ब्रह्मपुत्र वैली में इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट भील भी बोला जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। यहाँ के फ्लोरा की बात करें तो समर सीजन में यहाँ एक्वेटिक वेजिटेशन पाई जाती है। विंटर सीजन में यहाँ के जो ड्राई एरिया हैं उसमें एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक दिखाई देती है। अब इसके फौना को देखें तो भील एक नेचुरल हैबिटेट है। बहुत सारी वेराइटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पर रहती हैं। यहाँ 219 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं जिसमें से 70 प्लस माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं। एक्वेटिक बर्ड सबसे बड़ा जो ग्रुप है एक्वेटिक बर्ड्स का, हमें ज़्यादातर वो विंटर्स में यहाँ पे दिखाई देता है। एक सर्वे के हिसाब से भील में 20 एम्फीबियन, 12 लिजार्ड, 18 स्नेक और 6 टर्टल की स्पीसीज़ पाई जाती हैं और यहाँ पर वाइल्ड एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, प्रोटेक्टेड बार्किंग डियर, चाइनीज पॉर्क्यूपाइन भी पाए जाते हैं। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए साइन की गई थी। इसको हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये रामसार शहर है ईरान में, वहाँ पर साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को। वेटलैंड क्या होता है? ज़मीन का वो हिस्सा जो पानी से भरा हुआ है हम उसे वेटलैंड बोलते हैं। ये सीजनल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। वेटलैंड इंक्लूड करते हैं मैनग्रूव्स को, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड, कोरल रीव्स। इसके साथ साथ ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी होते हैं जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स या रिजर्वर्स। ये सब होते हैं ह्यूमन मेड के अंदर और रिवर्स, लेक्स, डेल्टास ये वेटलैंड के अंदर आते हैं जो कि ह्यूमन मेड नहीं होते, नेचुरल होते हैं। वेटलैंड्स वाटर को फिल्टर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको अर्थ की किडनी भी बोला जाता है। 64% ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डिसअपियर हुए हैं लास्ट सेंचुरी में, जिसकी वजह से हमें इसके कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ी। कोई भी कंट्री जो रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को ज्वाइन कर रही है उसके पास एटलीस्ट वन वेटलैंड साइट होनी कंपलसरी है। वो कंट्रीज जिनके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं वो हैं यूके 175, मेक्सिको 142। इसके साथ जो बोलीविया है उसके पास लार्जेस्ट एरिया है रामसर प्रोटेक्शन का। लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में जो वेटलैंड साइट्स को रजिस्टर किया जाता है इसको हम मॉन्ट्री रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें सारे चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भी इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन या फिर किसी भी ह्यूमन इंटरफेस की वजह से, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं मॉन्ट्री रिकॉर्ड में। इसको मेंटेन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट। जुलाई 2021 तक हमारे पास 42 रामसार साइट्स थी भारत में। अभी हाल फिलहाल में ही 4 नई रामसार साइट्स को बढ़ाया गया है, 2 हरियाणा की हैं और 2 गुजरात की। 4 नई रामसार साइट्स बढ़ाने के बाद आज के डेट में हमारे इंडिया में 46 रामसार साइट्स हैं, जिसमें से यूपी में सबसे ज़्यादा हैं 8 और पंजाब में 6। रामसार साइट्स का सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में सुंदरबंस कवर करते हैं, 4,230 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। और सबसे कम एरिया कवर करती है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे पुरानी रामसार साइट्स हैं इंडिया में चिलिका लेक उड़ीसा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, ये दोनों ही 1,981 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं। वेटलैंड्स को मेजर थ्रेट क्या है उनकी बात करते हैं। अर्बनाइजेशन,
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा आर द प्रॉब्लम्स और द थ्रेट्स टू वेटलैंड। जो भी टॉपिक अब तक हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रिलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।